आज हम देखेंगे कि इंजन ऑयल फिल्टर के अंदर क्या होता है। ये जो ऑयल फिल्टर है ये इंजन के अंदर लगता है, और जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है तो ऑयल का फ्लो होता रहता है इंजन के अंदर, और वो ऑयल अपने साथ कचरा भी लेके चलता है। और अगर वो कचरा कंटिन्यूअसली इंजन में चलता रहे तो वो घिसेगा उस इंजन को, और वो हमारा काम, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इंजन ऑयल जो है इंजन को ही घिसने लग जाए। उस केस में क्या करते हैं कि एक ऑयल फिल्टर लगाया जाता है इंजन के अंदर, एक अलग से चैम्बर होता है जहाँ से इसमें से ऑयल घूम के निकलता है। जैसे हम चाय बना के चाय छानते हैं वैसा ही इसका काम है कि ऑयल को छानता रहता है। ये एक फिल्टर है यहाँ पर, हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। और जनरली जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि वो ये बोलते हैं कि क्या हमेशा फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है जब भी हम ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है बेसिकली कि ये पुराने ऑयल से भर जाता है। ये इसके अंदर देखो ऑयल भरा हुआ है, इसको आप कैसे क्लीन करोगे? जब आप नया ऑयल डालोगे तो इसमें से पुराना ऑयल कैसे निकालोगे आप? और जब नया ऑयल डाल रहे हो और ऑलरेडी इसके अंदर पुराना ऑयल है तो वो नए ऑयल को ख़राब कर देगा पूरी तरीके से। इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं मेटल के। अभी तो इंजन कंपेरेटिवली मेरा सही है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये पूरा का पूरा भरा होता है, सोक कर लिया इसने पुराने इंजन ऑयल को, तो पार्टिकल्स तो मुझे नहीं मिले। जैसा कि कंपनीज बोलती है कि आपको बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे, अब हो सकता है मेरी आंखों से मेरे को नहीं मिल रहे हो लेकिन वो इतने बारीक हो कि ये अपने अंदर उन पार्टिकल को स्टोर कर लेता है। तो इसलिए जब भी हम ऑयल बदलें ये ऑयल फिल्टर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ कुछ पार्टिकल इसके अंदर ज़रूर रहते होंगे जिसको ये रोकता है। तो आपको डाउट जो है आपका क्लियर हुआ होगा आई गेस। तो ये एक छोटा सा खर्चा है जो आने वाले बड़े खर्चे को बचा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाय बाय।